सुबह का सूरज हम लोगों को क्या सिखाता है? अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी तो आएगा ही। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, खुशियां तो आएगा ही। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तब लाइफ का एक ही प्रॉब्लम पर बार बार क्यों रोते? हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ चॉइस। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज हैप्पीनेस, अब क्या आंसर देंगे? अकॉर्डिंग टू गूगल, हैप्पीनेस इज एन इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ जॉय, कॉन्टेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट। हैप्पीनेस मतलब बेसिकली हम लोग समझते थे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट अभी हैप्पीनेस एक इंडस्ट्री है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री, मतलब लगभग 31 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। सब हैप्पीनेस बेच रहे हैं, कैसे? हैप्पीनेस एक इंटेलेक्चुअल चीज है, राइट? उसको कैसे बेचा जा सकता है? लेट मी एक्सप्लेन। पिछले 3 सालों में 30 लाख लोगों ने रजिस्टर किया ऑनलाइन हैप्पीनेस कोर्स के लिए। इंस्टाग्राम में 151 मिलियन पोस्ट डाला गया है हैशटैग हैप्पीनेस, और 1 मिलियन पोस्ट डाला गया है हैशटैग हैप्पीनेस इज अ चॉइस। बड़े बड़े कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रहे, फोन का बैक कवर, नोटबुक, कप, टोपी हैप्पीनेस कोटेशन के साथ। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर एक्चुअली डूइंग गुड बाय प्रोमोटिंग हैप्पीनेस, बट व्हाट एक्चुअली हैप्पीनेस इज और कहां पे मिल सकता है हम लोग को हैप्पीनेस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपायन अधिकारी, स्वागत है आपका फिट योगी पे। जिंदगी एक आयना के जैसा है, आप मुस्कुराओगे तभी तो सामने वाला मुस्कुराएगा। हैप्पीनेस को लेके एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, बीबी होगा, बैंक में बहुत सारा पैसा होगा, मैं खुश, जनता चाहे भार में। एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो, जिंदगी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना खुश हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फिश हैप्पीनेस। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश है। आई एम श्योर सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब होता है एक बड़ा सा घर, एक सिक्योर जॉब, एक परफेक्ट हेल्थ और बैंक में बहुत सारा पैसा, बस और क्या चाहिए। वास्तविक में हैप्पीनेस का मतलब हर देश, हर रिलीजन, हर इंसान के हिसाब से डिफरेंट होता है। एक भिखारी को उसको उस दिन का खाना मिल जाना हैप्पीनेस, एक जॉबलेस को जॉब मिल जाना हैप्पीनेस, एक सर्विसमैन को उसको प्रमोशन मिल जाना हैप्पीनेस, और एक बिजनेसमैन को उसका बिजनेस में प्रॉफिट मिल जाना हैप्पीनेस। जर्मनी के लिए हैप्पीनेस मतलब संतुष्टि, इराक के लिए हैप्पीनेस मतलब सर्वाइवल, इंडिया के लिए हैप्पीनेस मतलब मन की शांति, यूएस के लिए हैप्पीनेस मतलब फ्रीडम, और चाइना के लिए ज़्यादा खुशी ही दुख का कारण है। यू सी, हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव, इट्स टेम्पररी, इट्स चेंजिंग। आपके लिए आपका जिंदगी का सबसे बड़ा जो खुशी, वो मेरे लिए कुछ भी ना हो सकता है, तो दुख क्यों करना। तो हैप्पीनेस क्या पैसा है? आई डोंट थिंक सो। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से सबसे धनी देश है लग्जमबर्ग, जीडीपी पर कैपिटा है 1,31,782 डॉलर, जहां पे फिनलैंड का जीडीपी पर कैपिटा है 45,100। मतलब जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से सबसे धनी देश नंबर 1 पे आते हैं लग्जमबर्ग, और फिनलैंड नंबर 14 पे आता है। फिर भी हैप्पीनेस के हिसाब से फिनलैंड नंबर 1 पे आता है और लग्जमबर्ग नंबर 8 पे। यू सी, मनी इज नॉट डायरेक्टली इंटरलिंक्ड टू हैप्पीनेस। तो क्या करें, कैसे डिफाइन करें हमारे हैप्पीनेस को, चलिए देखते हैं। गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास तामस्थिति सर्व भारत। कृष्ण बता रहे, हे अर्जुन, जैसे हमारा ऋतुओं का परिवर्तन होता है, कभी गर्मी आता है, कभी सर्दी, वैसे ही हमारे जीवन में कभी सुख आएंगे तो कभी दुख, फिर से कभी सुख आएंगे तो कभी दुख। अरे सुख और दुख की अनुभूति हमारा इंद्रियों के स्पर्श से होता है। अपना इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाओ, सुख और दुख में तुम विचलित नहीं होगे। मात्र स्पर्शास्तु, स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब खुद देखिए, गर्मी के टाइम हम लोग पंखा चलाते हैं,
पंखा चलाने से हम लोग को गर्मी के टाइम खुशियाँ मिलती है, बट वही पंखा अगर हम लोग सर्दी के टाइम चलाएंगे तो जो पंखा हम लोग को गर्मी के टाइम सुख दे रहा था वही पंखा सर्दी के टाइम हम लोग का दुख का कारण बन जाएगा। अब खुद देखिए हम लोग का खुशियाँ ऋतुओं के हिसाब से बदल रहा है। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बहुत जोर से भूख लगा, आपके भूख के टाइम आपके सामने गुलाब जामुन दिया गया, उस भूख के टाइम आपको पहला गुलाब जामुन अमृत लगेगा। आप एक खाए, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, पांच के बाद आपको लगेगा ठीक है खा लिया और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अगर आपको खाने बोला जाए 10 के बाद, जो गुलाब जामुन पहले आपको अमृत लग रहा था वही गुलाब जामुन 10 के बाद आपका दुख का कारण बन जाएगा। तो क्या गुलाब जामुन में दुख है? नहीं, भौतिक चीज ऐसे ही होता है। हमारा कितना इंद्रिय है? पांच, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। इस पांच इंद्रियों के साथ बाहर की भौतिक चीजों का स्पर्श हम लोग का सुख और दुख का अनुभूति होता है। अब खुद देखिए, आंख के स्पर्श में मत आओ, हाथ जल जाएगा। कैसे? हम लोग को अनुभूति से, इंद्रियों की अनुभूति से हम लोग को पता चलता है। कृष्णा यही चीज बता रहे हैं, जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी आता है, कभी बारिश, कभी सर्दी, वैसे ही हमारे जीवन में कभी सुख आएंगे तो कभी दुख, फिर से कभी सुख आएंगे कभी दुख, एक साइकिल में बंधा हुआ है। कृष्ण लास्ट में ये भी बता रहे, ताम स्थितिक सस्व भारता, अर्जुन इसको सहने की आदत डालो। अगर इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? कृष्ण इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में ही बताते हैं, गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथा यंते ते पुरुषं पुरुषर्षवा समा दुख सुखम धीरम सोमरी तद्बाय कल्पते। कृष्ण बता रहे, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता वही व्यक्ति मोक्ष के लायक है। समा दुख सुखम धीरम, सुख और दुख दोनों में धीर या स्थित है। सोमरी तत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति मोक्ष के लायक है। तो क्या सीखने मिला हमें आज? सुख और दुख ऋतुओं के जैसा एक साइकिल में कह दें, जैसे गर्मी के बाद बारिश आता है, बारिश के बाद सर्दी, वैसे ही हमारे जीवन में कभी सुख आएंगे तो कभी दुख, फिर से कभी सुख आएंगे तो कभी दुख, एक साइकिल में कह दें। परंतु असली व्यक्ति वही है जो अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख गया और सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है अगर अभी सुख है तो ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुख भी ज्यादा दूर नहीं है, और अगर अभी दुख है तो ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सुख ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ चॉइस, वी चूज टू बी हैप्पी। आज का वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है खुश रहना सबका हक है, सबका अधिकार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास जिनको खुशियों का सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माय नेम इज दीपायन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।